यहाँ पे 48 नंबर को, यहाँ पे शायद ये हुआ नहीं है। यहाँ पे अपन देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग वीवी पेरी, ठीक है ना। वीवी पेरी, वीवी पेरी किसे कहते हैं कि कोई भी एक प्लांट है यहाँ पे, और ये प्लांट कहाँ पे, खास तौर से दलदल वाले क्षेत्रों में, दलदल वाले क्षेत्रों में होते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की भी कमी होती है। तो कोई भी दलदल वाला क्षेत्र हो वहाँ पर, ये भी कह सकते हैं मैंग्रोव जो प्लांट होते हैं, मैंग्रोव प्लांट हो सकते हैं, दलदली क्षेत्र वाले हो सकते हैं, सेलाइन वाले वाटर हो सकते, सेलाइन वाले हो सकते हैं, हेलोफाइट्स हो सकते हैं, हेलो फाइट प्लांट हो सकते हैं जो लवणीय जल के अंदर उगते हैं, वह वाले प्लांट हो सकते हैं। इन प्लांट के अंदर अगर कोई यहाँ पर फ्रूट बनता है, ये फ्रूट बना है, इस फ्रूट में जो सीड है, ये क्या है, सीड है, ये सीड है, नीचे क्या है, दलदल वाला क्षेत्र है। तो ये कौन से प्लांट हो गए, मैंग्रोव प्लांट। इसमें क्या होता है, सीड जो होता है उनमें डोरमेंसी नहीं पाई जाती। क्या होता है, इन सीड में नॉट डोरमेंसी, इनमें डोरमेंसी नहीं पाई जाती। डोरमेंसी पाई अगर जाए तो भी क्या काम की है, क्योंकि पानी में गिरेगा, पानी में गिरेगा तो फिर भी जर्मिनेट होगा, इसलिए ये क्या करते हैं, डोरमेंसी को अवॉइड करते हैं, और ये क्या करते हैं, फ्रूट में रहते हुए सीड क्या हो जाएगा, जर्मिनेट, प्लांट के ऊपर ही क्या हो जाएंगे, ये जर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो प्लांट के ऊपर फ्रूट लगा हुआ है, सीड वहीं है, अगर प्लांट के अटैच रहते हुए कोई सीड जर्मिनेट हो जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं, वीवी पेरी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये पूरे करेक्टर मैंने बता दिए। अब इसमें से देखना है नोट, इनमें से कौन सा करेक्टर ये सही नहीं है वीवी पेरी का, तो आप ऑप्शन में देख लोगे आप, सीड सीड जर्मिनेट विद इन फ्रूट, ये तो ठीक है, वाइल इट इज अटैच्ड स्टिल अटैच्ड टू द मदर प्लांट, जब मदर प्लांट के साथ में ही कोई सीड है वो वहीं जर्मिनेट हो जाता है, ये तो ठीक है डेफिनेशन। इट यूजुअली अकर इन प्लांट ग्रोइंग अंडर सेडो मेराइन कंडीशन, देखो ये बताया मैंने हेलोफाइट्स, मेराइन जो कंडीशन होती है, लवणीय जो होती है, मैंग्रोव जो प्लांट होते हैं उनमें ऐसा करेक्टर देखने को मिलता है। इट अकर इन मैंग्रोव, ये टर्म भी आ गया यहाँ पे, मैंग्रोव प्लांट भी आ गया। अब अगला टर्म, इट इन्वॉल्व इन डोरमेंसी पीरियड फॉर द सीड, अरे भाई इसमें डोरमेंसी होती ही नहीं है, ये बोल रहा डोरमेंसी पीरियड में ऐसा होता है, तो डोरमेंसी पीरियड तो होता ही नहीं है इनमें, तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन, इसमें नहीं होता, ये करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन है। अगला अगर अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर, आप